क्या मुझे डीएनएस का ऑपरेशन कराना चाहिए? क्या मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है? क्या मुझे सर्जरी की जरूरत है? यस दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीगी बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट का जब हम नोज के अंदर जब एंडोस्कोप से देखते हैं, उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या बहुत बार क्या है, जाने अनजाने में हमने सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में आया डीएनएस। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे डीएनएस की सर्जरी कराने की जरूरत है? मरीज बड़ा कंफ्यूज होता है, हम बड़े परेशान होते हैं। सो दोस्तों, हम जान लें कि कब हमें ऑपरेशन की जरूरत है, कब हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बट सबसे पहले बड़े संक्षिप्त में हम जानते हैं कि क्या ये डीएनएस जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है और क्या ये डीएनएस जो है एक्चुअली में होता है। दोस्तों, डीएनएस मतलब डेविएटेड नेजल सेप्टम, दैट मींस डेविएटेड नेजल सेप्टम मतलब जो गोड ने हमारा जो नोज बनाया है, उस नोज के अंदर जो एक कैविटी है, दैट इज डिवाइड बाय ए पार्टीशन, जिसको हम सेप्टम बोलते हैं, नाक का पर्दा बोलते हैं। ये नाक को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मिडलाइन में होता है। अब अगर ये मिडलाइन में नहीं होके ये एक तरफ राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, दैट वी कॉल द डेविएटेड नेजल सेप्टम, दैट मींस मिडलाइन से वो एक तरफ चला गया। तो क्या हुआ कि जो हमारी जो कैविटी, जो हमारी एग्जैक्ट दो पार्ट बराबर पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए थी, वो अनिकल हो गई। अनिकल होने से हमारा जो है, गॉड ने हमारा नोज किस लिए बनाया? जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग टू अवर बॉडी, हमारे को सांस आने के लिए बनाया गया है। तो हमारा जो सांस आने का जो रास्ता था, वो किसी कारण से अवरुद्ध हो गया, उस डीएनएस के कारण। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारा ये सेप्टम होता है, उसके कारण जो हमारा आउटर लुक है नोज का, वो भी अफेक्ट होता है। जब हम नोज को सीधे से देखते हैं, जब तो हमें सीधा दिखता है, लेकिन जब हम यूं देखते हैं तो ये टेढ़ा दिखता है। या जैसे हम यूं देखते हैं, नोज एक तरफ जा रहा होता है। आइडियली नोज जो गॉड ने बनाया है, वो हमारे चेहरे का सेंट्रल पॉइंट होता है, एंड इट्स प्रोवाइड ब्यूटी टू द फेस। दो काम है, सुंदरता और सांस आना। सांस अच्छा आ रहा है, सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर है, सांस नहीं आ रहा, तो भी मजा नहीं आ रहा। थिंग्स शुड बी बैलेंस, हमारा लुक भी अच्छा होना चाहिए, हमें दोनों नोज से ब्रीदिंग भी होनी चाहिए। तो ये है डीएनएस। अब सवाल ये है कि अगर मैंने डायग्नोसिस कर लिया कि मेरा डीएनएस है, अब मुझे क्या ऑपरेशन कराने की जरूरत है? सो दोस्तों, कुछ क्राइटेरिया हैं जब हमें डीएनएस की सर्जरी करानी चाहिए, कुछ नहीं करानी चाहिए। सपोज आपकी अगर इंसिडेंटल फाइंडिंग है, जैसे डॉक्टर ने बताया आपकी नाक में डीएनएस है, बट आपको अगर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहते होगा डॉक्टर साहब मेरे को तो कोई इससे दिक्कत ही नहीं है, बाहर से हमारा जो नोज का लुक है, देन यू आर हैप्पी, वो भी ठीक है, देयर इज नो नीड टू सर्जरी, कहीं कतई कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, अगर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नाक के सांस के अंदर भी दिक्कत नहीं है, लुक में भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें सर्जरी की जरूरत है, वो क्या सिचुएशन है? अगर आप आर्मी एस्पिरेंट हैं, अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप नेवी में जाना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज गोइंग ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नोज, ईयर पूरा ईएनटी का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें नोज भी एक पार्ट होता है, जिसके कारण आपको रेफर मिल जाता है। और उस रेफर से बचने के लिए हमें डीएनएस की सर्जरी की जरूरत होती है। देखा दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों क्या है कि बेसिकली जो आपको, अगर उस डीएनएस के कारण आपको नाक से सांस नहीं आ रही, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि डीएनएस के कारण मेरे को नोज ब्लॉक रहता है? अगर आपने नोज को यूं किया और आपको क्या है कि हमें ब्रीदिंग में आराम आया, या आपने नोज को यूं किया तो आपको ब्रीदिंग में आराम आ रहा है, इट मींस आपका डीएनएस के कारण आपका नेजल वॉल ब्लॉक है, एंड डेफिनेटली आपको सर्जरी की जरूरत है। सो दोस्तों, ये वो चीज है जब हम ये सोचते हैं कि हमें सर्जरी की जरूरत है, या तो आपको आर्मी एयरफोर्स में जाना है जहां आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, सेकंड, या आपके उस नेजल ब्लॉकेज जो डीएनएस है उसके कारण नाक बंद की समस्या से पीड़ित हो, या आपको स्नोरिंग रहता हो, या आपको डीएनएस के कारण नाक में बार बार ब्लीडिंग होती हो, या तीसरा, उस डीएनएस के कारण हमारा नोज का जो है लुक है वो ठीक नहीं है, दोनों नोस्ट्रिल हमें अनइक्वल लग रहे हैं, या बाहर से जो टेढ़ा है,
तो इस अपीयरेंस को ठीक कराने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। अगर इन तीनों में से आपका कुछ भी नहीं है तो देयर इज नो नीड टू सर्जरी, हमें कतई नोज की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आज हमारी अपेंडिक्स है, हमारे को जो है प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें कुछ नहीं होता, जब प्रॉब्लम होती है तो उसकी सर्जरी कराते हैं। सो देखा आपने, हमें पता लगा कब सर्जरी की जरूरत है कब नहीं है। सो दोस्तों दिस इन्फॉर्मेशन रियली यूजफुल फॉर माय आर्मी एस्पिरेंट, फॉर माय फैमिली फ्रेंड्स। यू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड अदर रिलेटिव्स, जिससे उनको जो है डीएनएस के बारे में पता लगे और उनका ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपका डीएनएस की रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, यू जस्ट पुट ऑन माई कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली विल रिप्लाई। थैंक यू।